अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग भी मैंने सुबह सुबह के टाइम से स्टार्ट कर लिया था। यहाँ पे मैंने शामी कबाब को शेप दे के रखा हुआ है। अभी मैं सुबह सुबह इनको फ्राई कर लूंगी, क्योंकि ये मैंने अपने भाई को साथ ले जाने के लिए देनी थी, उसके लिए मैंने ये स्पेशल बनाई थी। तो अभी मैं इनको फ्राई कर लूंगी और इसके बाद हम इनको फ्रीज कर देंगे। शाम के टाइम जब तक मेरे भाई ने जाना है ना, अच्छी तरह ये फ्रीज हो जाएंगी। फिर जब उसका दिल करेगा वो निकाल के इनको गर्म करके खा लेगा। और इसके बाद हमने बना लिया था नाश्ता। यहाँ पे हम लोग जल्दी सुबह उठते हैं तो नाश्ता भी हम जल्दी कर लेते हैं। आपके भाईजान मेरी हेल्प कर रहे थे नाश्ता बनाने के लिए, और आज मैंने अपने लिए साग वाला पराठा भी बनाया है। मेरी अम्मी ने जो फ्रीज करके रखा था ना, वही मैंने सारा निकलवा के गर्म करवा लिया। मैंने कहा जब मेरा दिल करेगा मैं पराठे बना के खाऊंगी, जब दिल करेगा वैसे ही रोटी के साथ मक्खन डाल के खाऊंगी। हमारी अम्मी के हाथ का साग और अचार इतना फेमस है, पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने रिलेटिव्स हैं ना, ज्यादा अम्मी से ही अचार डलवाते हैं। और जब सर्दियां आ जाएं तो ये साग भी ला के देती हैं कि आधा पका के आप खुद रख लेना, आधा आप हमें दे देना, आपके जैसा साग हमसे बनता ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद फिर मैंने जो शामी कबाब फ्राई करके रखे थे ना, जैसे ही वो थोड़े कूल डाउन हुए हैं तो मैंने पूरा एक डिब्बा भर के उनको फ्रीज कर दिया है, क्योंकि ये मेरा भाई अपने साथ लेके जाएगा और थोड़े से हमने अपने लिए भी बचा लिए थे। जल्दी से मैंने ये सारे काम खत्म किए हैं, कुछ घर के काम देखने वाले थे वो भी किए। उसके बाद अभी मैं रेडी हुई थी मार्केट जाने के लिए। मेरे हस्बैंड 2-3 दफा मेरे साथ गए हैं ना, लेकिन उनको इतनी ज्यादा गर्मी लगती है, वो कहते अब मैंने जाना ही नहीं है, क्योंकि बाइक पे वाकई बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और अगर हम गाड़ी में जाएं तो गाड़ी आपको पता है कि सिटी एरिया से थोड़ा सा ना साइड पे खड़ी करनी पड़ती है, यानी जो मेन मार्केट है ना उससे थोड़ा साइड पे खड़ी करनी पड़ती है। मार्केट के अंदर हम गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते, फिर वहां पे सारा टाइम पैदल ही चलना पड़ता है और वहां गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप घर पे रुको, हम लोग बस रिक्शे में जाएंगे। ये रिक्शे वाला पूरा टाइम हमारे साथ ही रहेगा, मार्केट के अंदर भी कोई टेंशन नहीं होती रिक्शे वालों को, वो जहाँ चाहे रुक सकते हैं, कोई मसला ही नहीं होता। अच्छा जी, मार्केट एंटर होते ही सबसे पहले हम लोग एटीएम पे रुके, यहाँ से हमने पैसे लिए और उसके बाद हमने रिक्शे वाले भाई से कहा कि हमें ना स्टाइलो लेके चलो। हमारे सिटी में स्टाइलो की बहुत बड़ी ब्रांच है और यहाँ पे ऑफर्स भी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों के सैंडल्स वगैरह भी लेने हैं। वो मैं एक दो जगह देख के आई हूँ, मुझे नहीं पसंद आए थे तो आज मैंने सोचा स्टाइलो से देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे बेबी गर्ल्स के इतने प्यारे प्यारे शूज नजर आए, लेकिन इस तरह के मैंने लेने नहीं थे, और जो मैं लेने आई हूँ वो मुझे ज्यादा प्यारे लग नहीं रहे थे। ये देखें, इस तरह के सैंडल थे, तो यहाँ से ये बटरफ्लाई वाले मुझे थोड़े से सही लगे हैं, तो मैंने ये वाले लिए। अभी ये भी मुझे मिले नहीं है, वो कह रहे थे कि आपको 2-3 दिन बाद मिलेंगे, साइज अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैंने पेमेंट कर दिया है और साइज जब मिल जाएगा तो फिर मैं आके ले जाऊंगी। बाद हम लोगों ने घर के लिए वाइपर, ब्रश, छाबियां वगैरह ये सारी चीजें ली हैं। साथ ही ये शॉप थी, यहाँ पे मुझे बेबी गर्ल्स के इतने प्यारे सूट नजर आए, जैसे पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं ना इस तरह। तो मैं यहाँ आ गई, मैंने सोचा मैं मुजना के लिए ले लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे मुजना के साइज में कुछ भी पसंद नहीं आया। और ये बॉयज की ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी इनके पास, तो मैंने अपने भाई के लिए फिर 2 पैंट शर्ट्स ली है, एक नीचे जो गोल्डन कलर की पड़ी है वो वाली पैंट ली है, एक साथ जो ग्रे पड़ी है वो, और एक ये मैंने ब्लैक शर्ट ली है, एक ब्लू शर्ट ली है। तो इस तरह मैंने ना 2 सूट अपने भाई के लिए ले लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे आमिर शूज। दोबारा हम इसलिए आए हैं कि मेरी बहन के मैंने शूज लेने थे, इसको बहुत पसंद आए थे वो बटरफ्लाई वाले जो मैं लेके गई हूँ ना, ट्रांसपेरेंट, बहुत पसंद आए थे। फिर मैंने सोचा चलो साथ ही मैं ये शूज भी ले ही देती हूँ अपनी बहन को, क्या याद करेगी, इतनी सोनी अभी मिली थी। अच्छा जी, उसके बाद हम दोनों बहनें आ गई थी गोलगप्पे खाने के लिए। यहाँ आप देखें अभी कितनी बड़ी शॉप है ना, फ्रंट पे इन लोगों ने सेटअप किया हुआ है सारी चीजें बना के सर्व करने का, और पीछे सीटिंग एरिया अरेंज किया हुआ है। लेकिन आप यकीन करें, ये जो सामने आपको मैंने दरख्त दिखाया ना, यहाँ पे भाई छोटी सी रेडी लगा के खड़े होते थे शुरू शुरू में जब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेहनत से और अच्छा काम करने की वजह से इतनी बरकत दी है। माशाल्लाह इन लोगों ने एक गोलगप्पे की रेडी से स्टार्ट किया था और अभी कितना बड़ा सेटअप कर लिया। यहाँ पे मुझे पंखा चलता हुआ देख के नींद आना शुरू हो गई थी। आप यकीन करें, जब से मैं अम्मी अबू के घर आई हूँ ना, मैं सुबह की उठी रात तक नहीं सोती। मेरा यही दिल करता है कि जितना टाइम भी मैं यहाँ पे हूँ इन लोगों के साथ वो सारा वक्त गुजार लू। उसके बाद फिर जब सऊदी आ जाएंगे तो वहां पे रेस्ट भी कर लेंगे, नींद भी पूरी कर लेंगे, लेकिन ये वाला टाइम मैं इनके साथ ही ज्यादा गुजारू।
यहाँ आ गए थे जी हमारे गोलगप्पे, और हमने जग भर के खट्टा पानी मंगवाया था और हमने कोले भर भर के पिया। यकीन करें मुझे इतने याद आती है ना ये गोलगप्पे। अब जब से मैं वापस आ गई हूँ ना, मेरा फिर दिल करता है कि अल्लाह जी जब मैं दोबारा जाऊंगी ना, मैंने इतने सारे दोबारा खा के आने हैं। इसके बाद हम लोग आ गई थी मेकअप वाली शॉप में, यहाँ से मैंने कुछ अपनी चीजें लेनी थी। आपको पता है मैं अपने फाउंडेशन वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ से ही लेके जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे कोई भी चीज लगाने से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोकल से लोकल मेकअप भी मैं यूज कर लूं और ब्रांडेड भी यूज कर लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन फाउंडेशन वगैरह यहाँ के मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। फिर हमने रिक्शे वाले भाई से कहा कि जल्दी से जल्दी हमें घर वापस ले जाओ, क्योंकि मेरे भाई के जाने का टाइम था और वह मेरा इंतजार कर रहा था कि आप ही जल्दी से आ जाएं तो मैं उनको मिलके चला जाऊं। और जैसे मैंने उसको आके कपड़े दिए ना कि ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इतना खुश हुआ था और बस फिर मेरे से मिला है और चला गया। अच्छा जब वो जा रहा था ना, आप यकीन करें इतना मेरा दिल उदास और इतना मैं रोई थी। ये वाला क्लिप भी मेरी बहन ने लिया था उसके जाते हुए, मेरे से कोई वीडियो शूट नहीं की गई उस टाइम। अपने भाई के सामने तो मैंने इतना नहीं दिल छोटा किया, लेकिन जब वो चला गया ना उसके बाद मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मेरा दिल ही नहीं लग रहा था घर में, ऐसे लग रहा था पता नहीं घर पूरा खाली खाली हो गया, क्योंकि मैंने सारा टाइम अपनी जिंदगी का जितना भी यहाँ पे रह के गुजारा है ना, हम बहन भाई साथ साथ ही रहते थे। लेकिन जब इस दफा मैं आई हूँ ना, तो भाई मुझे यूनिवर्सिटी से मिलने आया था, क्योंकि अभी वो स्टडी कर रहा है यूनिवर्सिटी में है तो उसको दूसरे सिटी में रहना पड़ता है, तो वो कभी कभी बस आता है। तो अभी मेरे से मिलने के लिए 3 दिन के लिए आया था, और 3 दिन बहुत थोड़े हैं। सालों के बाद जब आप मिलते हो ना, तो 3 दिन को बहुत ज्यादा नहीं होते। अभी तो उदासी भी पूरी तरह नहीं उतर रही होती कि दोबारा आप उदास हो जाते हो। खैर भाई के जाने के बाद फिर ऐसे ही मैं रोते रोते सो गई थी, और जब मैं उठी हूं तो बस मैंने जल्दी से राइस बनाए थे और साथ रायता वगैरह पता नहीं मैंने बनाया था, और हम लोग आ गए थे यहाँ ट्यूबवेल पे, क्योंकि मेरी फ्रेंड के बच्चे भी थे, मेरे बच्चे भी। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि हम इनको कहीं आउटिंग के लिए ले जाते हैं। का प्लान था कि हम किसी दूसरे सिटी चलते हैं या किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमने कहीं भी नहीं जाना, गांव में ही ठीक है, क्योंकि गांव में वापसी आना बड़ा मुश्किल है। रात के टाइम कहीं भी आप निकल जाओ ना, तो आपको वापसी आते हुए बड़ा डर लगता है। हमारा एरिया इस तरह का है कि यहाँ पे सामने जंगल है, और कोई भी चोर वगैरह निकल के खड़े हों आपको पता भी नहीं चलना, और उन लोगों ने सब कुछ छीन के चले जाना है। इस चीज़ का मुझे बहुत डर लगता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। मैं अपने गांव में अपने घर में ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ, और जब मैं सिटी वगैरह जाऊँ ना तो वो भी दिन ही दिन के टाइम जाती हूँ और शाम के टाइम से पहले ही वापस आ जाती हूँ। अच्छा फिर हम लोग यहाँ इनके ट्यूबवेल पे आ गए थे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें वो बना के लाई थी और कुछ चीज़ें मैंने बनाई हुई थी। अच्छा मैं जो शामी कबाब बचे हुए थे ना वो भी लेके आई थी, और साथ मैंने चिकन पुलाव बना लिया था, और मेरी फ्रेंड बना के लाई थी चिकन पकौड़ा। अच्छा हम दोनों की फ्रेंडशिप पूरे गांव में पता है कि ये दोनों बहुत पक्की वाली फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा मेरी पूरे गांव में कोई फ्रेंड नहीं, और हमारी शादी के बाद ही फ्रेंडशिप हुई थी। अच्छा मेरी फ्रेंड के 3 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है ना कि हमारी बात बेशक हफ्तों बाद भी हो, लेकिन जब हम मिलती हैं और बात करती हैं ना, तो ऐसे कि हम एक दूसरे के साथ अपने सारे दुख सुख भी करती हैं, हर बात शेयर करती हैं, और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एहसास करती हैं। यही चीज़ होनी चाहिए आपके रिश्तों में। बेशक आप रोज़ रोज़ ना मिलो, रोज़ रोज़ बात ना कर सको, लेकिन जब भी मिलो पूरे खलूस और मोहब्बत के साथ। मैं पाकिस्तान से जब भी कपड़े और बेडशीट्स वगैरह मंगवाती हूँ ना, वो सब चीज़ें मेरी फ्रेंड ने ही लेके भेजनी होती हैं। इसी के थ्रू मैं हर चीज़ मंगवाती हूँ, और इस बेचारी के फिर कोई चक्कर लगते हैं मार्केट के, मैं तो बड़ा हंसती हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हारा ही हौसला है जो मेरे साथ दोस्ती निभाई हुई है, वरना कोई और होता छोड़ के भाग जाना था। क्योंकि मुझे ना जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ समझ नहीं आता, तो मैं बहुत ज़्यादा खपाती हूँ। एक चीज़ के लिए बेचारी 70 दफ़ा कभी किसी शॉप में कभी किसी शॉप में जा जाके मुझे दिखाती है कि अब बताओ कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी लेनी है, या अभी भी नहीं पसंद आ रही तो बताओ और किसी जगह से दिखा दूं। ऐसे करके ना फिर हमने अपनी शॉपिंग करनी होती है, फोन पे ही हमने सारी चीजें डिसाइड करनी होती हैं, और मेरी फ्रेंड ने जाके मेरी सारी चीजें लेके आनी होती हैं। अच्छा जी यहाँ पे हम लोगों ने नहाया, छलियां भी हम लोगों को बना के दी थी, जहाँ पे जो डेरे पे रहते हैं ना लोग, उनकी फैमिली ने बना के दी थी। और जो हमारे चावल थे और चिकन पकौड़ा, सारी चीजें जैसे हमने खाई ऐसे ही हमने उनको भी भेजी थी, साथ हमारे जो 2 रिक्शे वाले थे उनको भी।
और जी काफी रात हो गई थी जब हम लोग घर वापस आए हैं, और यहाँ पे मेरी अम्मी का हुक्का बना के देने वाली जो आंटी है ना वो आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी क्लिप दिखाती हूँ कि ये देखें जी इस तरह अम्मी को रोज हुक्का बना के देती हैं, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम। ये इनकी पक्की ड्यूटी है, इन्होंने अपने घर से आग लेके आनी होती है ये कोयले वगैरह, और अम्मी को हुक्का बना के देना होता है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे सब घरों में गैस वगैरह लगी हुई है तो किसी के घर में कोयले होते ही नहीं है। तो ये पक्की पक्की हमारी मासी है जो अम्मी का हुक्का बनाती है। मर्द हजरात जिनको हम अपने साथ नहीं लेके गई थी उनको हमने आके खाना दिया, उसके बाद हमारे घर में माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी थी। अच्छा, हमारी ऐसी महफिल लगती है, ऊपर छत पे बैठ के चार पाइयों पे हम सारी अपनी बातें करती हैं। यहाँ पे मेरी भाभी आई हुई थी दूसरे गाँव से हमें मिलने के लिए, साथ मेरी कुछ कजन्स भी हैं, और यहाँ पे हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, और हमारी खाला हमें अपने बचपन की और अपनी शादी के टाइम वाली स्टोरियाँ सुना रही थी। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।